कविता का जो कवि का जो सबसे पहला कर्तव्य होता है वो होता है प्रेम करना, और मैं इसी वजह से आज मैंने सोचा कि अपने सेशन का शुरुआत भी मैं एक प्रेम कविता से ही करता हूँ। तो शुरू करें। तो ये जो लाइन में खड़े हैं बाहर जाने के लिए उनके लिए भी है कि खुद को कर लें आज हम कुछ ऐसे आजाद, खुद को कर लें आज हम कुछ ऐसे आजाद, वक्त गुजारें साथ में और करें बर्बाद। हर जरूरी काम से हम मुंह हमारा फेर लें, हर जरूरी काम से हम मुंह हमारा फेर लें, आज कुछ मामूली बातों से अकल को घेर लें। सोचो अब तक क्या मिला है, सोचो अब तक क्या मिला है इतना सब कुछ सोचकर। अभी आजकल आप लोग जिनकी गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स हैं वो लोग रात में पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं, दो दो बजे तक, ढाई ढाई बजे तक, कि सोचो अब तक क्या मिला है इतना सब कुछ सोचकर, आज कुछ ना सोचने की बात पर भी सोच ले। और तेरी बात, लड़कों ध्यान रखो कि तेरी बातों से जरूरी भी भला कोई बात है, तेरी बातों से जरूरी भी भला कोई बात है, तेरी बातों में ही अब हर बात का हल ढूंढ ले। और मेरे प्रेम की एक खासियत है कि मेरा प्रेम जो है ना पजेसिव नहीं है, तो मेरी ख्वाहिश है, लेकिन इसमें एक बारीकी है, कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम सा यार सबके पास हो, मेरी ख्वाहिश है कि तुम सा कह रहा हूं, तुम नहीं कह रहा हूं, कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम सा यार सबके पास हो, सर को गोदी में छुपा सब आंख अपनी मूंद लें, सो जाएं सारे सिकंदर, सो जाएं चंगेज खां, दिग्विजय सारे तुझी में हार अपनी ढूंढ ले, और शोर फिर जो भी मचे वो शोर हो बरसात का, जुल्फ से झरने बहें और बदन से घूम ले। तो शुक्रिया ये प्रेम से आगाज करने के लिए, इजाजत देने का और सुनने का और समझने का शुक्रिया यहाँ पे जितने भी सम्मानित अतिथि हैं। तो दूसरा काम जो होता है कविता का वो होता है कि जो चीज़ हिडन होती है ना उस चीज़ को उजागर करना ही कविता होती है। जो चीज़ कोई नहीं देख पाता वो चीज़ें कवि देख पाता है, वो चीज़ें कहानीकार देख पाता है, वो चीज़ें साहित्यकार देख पाता है। और क्योंकि जो चीज़ प्रत्यक्ष है वो तो सब लोग देख रहे हैं, समाज में जो चीज़ छुपी हुई है उससे क्या आप समझ सकते हैं, क्या चीज़ निकाल सकते हैं, वो कवि का काम होता है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें आप इंस्पिरेशन कहीं से भी ले सकते हैं, लोग मोटिवेशन के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं और सदियों से जाते रहे, कभी कोई किसी बाबा को पकड़ लेता है, कभी कोई किसी संत को पकड़ लेता है, कभी कोई किसी मोटिवेशनल स्पीकर को पकड़ लेता है, कोई कहीं मोटिवेशन ढूंढता है, लेकिन मोटिवेशन आप कहीं भी ढूंढ सकते हैं और कवि अपने बगल से मोटिवेशन निकालता है, बिल्कुल बगल से, आप देखिए एकदम घर आपके घर से निकालता हूँ, कि कभी गौर से देखा है घर की अलमारी घर का घंटा घर होती है, ये वक्त बताती है। कभी गौर से देखा है घर की अलमारी घर का घंटा घर होती है, ये वक्त बताती है। इसमें प्रेस करके रखी स्कूल यूनिफॉर्म ये बताती है कि आज सुबह फिर से मम्मी जल्दी उठ गई थी। कंबल रखने को बना वो खाली कोना, ये कहता है कि पापा अब भी सो रहे हैं। और पिछले साल अचानक गायब हुई सफ़ेद साड़ियाँ ये याद दिलाती हैं कि दादी मर चुकी है। शुक्रिया। नमी से फूली प्लाई की फांस जब उंगली पे चुभती है तो घर में चल रही तंगी का एहसास होता है। पल्ले का टूटा हैंडल मानो कह रहा हो कि वक्त बुरा है, सहारा देने वाला कोई नहीं।
इसकी शेल्फ में बिछे अखबार जिनके नीचे से कभी खुशबूदार खत निकलते थे, अब वहाँ पे छुपे हैं कुछ दवा के पर्चे जिनमें से खट्टी सी महक आती है। अलमारी की छोटी सी तिजोरी में रखा वो काले रैगजीन का फोल्डर जिसमें घर की बुनियाद रखी है, अब काफ़ी फटेहाल हो गया है। और वो लाल वेलवेटी केस जिसमें कई पीढ़ियां पिरो के बना एक हार होता था, अब उसमें सिर्फ हवा है जो साए साए करती है। अलमारी के दरवाजे पर छपे वो उंगलियों के निशान खांसते खांसते उस रात का मंजर बयां करते हैं जब आखिरी बार उठा था वो बेरहम दर्द और अपने साथ सब कुछ ले गया था। कल किसी ने उन निशानों को खोज कर वहाँ एक पोस्टर चिपका दिया है जिसमें मुस्कुराता हुआ नौनिहाल बच्चा ये कह रहा है कि अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सच है, घर की अलमारी घर का घंटा घर होती है, ये वक्त बताती है। दृष्टि प्रोडक्शन, अ डिजिटल स्टोरी टेलर ऑफ योर इमेजिनेशन।